हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम बनाने जा रहे हैं शेजवान चटनी। ये सेम मार्केट स्टाइल में ही हम बनाएंगे और घर में पड़े हुए इंग्रेडिएंट्स से बनाएंगे हम इसे। और आप इसे काफ़ी दिन तक स्टोर भी कर सकते हैं बिना किसी प्रिजर्वेटिव के। और ये टेस्ट में भी हमारे मार्केट स्टाइल जैसी ही है। और इस चटनी को आप शेजवान डोसा, शेजवान फ्राइड राइस, शेजवान पुलाव या नूडल किसी में भी यूज़ कर सकते हैं। तो आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने रेड चिलीज़ ली हुई हैं। ये मेरे पास जो हरी मिर्चें थी वही सूख कर रेड होने के बाद काफ़ी सूख चुकी है, तो मैं उन्हें ही यूज़ कर रही हूँ। तो अभी फ़िलहाल मेरे पास इतनी ही मिर्च है, तो मैं इसे ही गर्म पानी में आधे घंटे के लिए भिगो लूँगी। आपके पास अगर रेड चिलीज़ ज़्यादा हो तो आप उसे और पूरे रेड चिलीज़ से बना सकते हैं, लेकिन मेरे पास नहीं है इसीलिए मैं इसमें थोड़ा सा रेड चिली पाउडर भी यूज़ करूँगी। तो यहाँ पर रेड चिली पाउडर मैं 2 टेबल स्पून ले रही हूँ। और कलर अच्छा आए इसीलिए मैं इसमें डालूंगी 1 बड़ा चम्मच कश्मीरी रेड चिली पाउडर। और इसे भी हम गर्म पानी में भिगोकर रखेंगे, तो हम इसमें बाकी बचा हुआ गर्म पानी डाल देंगे और इसे अच्छे से मिला लेंगे। तो इस मिर्च वाले पेस्ट को आपको सोक करना है 30 मिनट्स के लिए। और जो मिर्ची को, साबुत मिर्ची को हमने भिगोकर रखा था, उसे हम 1 घंटे के लिए भिगो कर रखेंगे। तो 1 घंटे बाद आप देखेंगे कि मिर्ची हमारी काफ़ी अच्छे से मतलब सोख हो चुकी है। तो अब हम इसे ग्राइंडिंग जार में ट्रांसफ़र कर लेंगे। और फिर मैं इसमें हमारे जो चिली पाउडर का पेस्ट था वो मैं डाल दूंगी। अब हम जार का ढक्कन लगाकर इसे अच्छे से पीस लेंगे। मिक्सचर आपका थोड़ा दरदरा भी रह सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि शेजवान चटनी मार्केट में ऐसी ही अवेलेबल होती है। तो अब हम एक पैन में ले लेंगे 1/4 कप यानी कि 1/4 कप तेल। और साथ में मैंने थोड़ा सा तेल और लिया है 2 बड़ा चम्मच, क्योंकि तेल ज़्यादा यूज़ करेंगे तभी आप इस चटनी को प्रिजर्व करके रख पाएंगे। साथ ही साथ यहाँ पर मैंने लिया है 1 बड़ा चम्मच अदरक जिसको मैंने चॉप कर लिया था, और 3 बड़े चम्मच गार्लिक है लहसुन जिसे मैंने चॉप किया हुआ था। तो सबसे पहले हम तेल गरम होने के बाद हम इसमें लहसुन डालेंगे। और लहसुन को हम तब तक फ्राई करेंगे जब तक ये गोल्डन ब्राउन होना स्टार्ट ना हो जाए। अदरक को हम बाद में फ्राई करेंगे, क्योंकि अदरक डाल देने के बाद ये काफ़ी चिपकने लगता है। तो अब जैसे रंग चेंज हो जाए तो हम इसमें डाल देंगे हमारे अदरक, और इसे भी हम थोड़ा देर फ्राई कर लेंगे जब तक कि अदरक का कच्चापन ना चला जाए। तो दोस्तों, हमारे अदरक और लहसुन दोनों अच्छे से पक चुकी हैं। तो अब मैं इसमें डालूंगी हमारे मिर्च वाला पेस्ट। और मिर्च का पेस्ट डालने से पहले आप फ्लेम को लो कर दें, उसके बाद आप इसे थोड़ा सा चलाते रहें। और आगे का जो भी हम प्रोसेस करेंगे अब हम इसे लो फ्लेम पे ही पकाएंगे। और इस मिर्च के पेस्ट में मैं थोड़ा सा पानी भी ऐड कर दूंगी। तो मैंने उसी जार को धोकर पानी ऐड कर दिया है। ज़्यादा पानी ना ऐड करें, नहीं तो ये चटनी काफ़ी पतली हो जाती है। तो इसे हम पकाते रहेंगे थोड़ी देर के लिए, जब तक कि इसमें से ऑयल अलग ना हो जाए पूरी तरह से। बीच में हम इसमें डालेंगे 1.5 टीस्पून के करीब नमक, या आप अपने स्वाद के अनुसार भी डाल सकते हैं। और इस चटनी को थोड़ा सा बैलेंस करने के लिए हम इसमें चीनी डालेंगे 1 छोटे चम्मच। और अब हम इसमें डालेंगे काली मिर्च का पाउडर 1/2 टीस्पून। आप चाहे तो इसमें सफ़ेद मिर्च का भी पाउडर यूज़ कर सकते हैं। इसे चला दें अच्छे से। इसे आपको चलाते रहना है, नहीं तो मिर्च अगर चिपक जाए तो काफ़ी पंजेंट सा स्मेल आता है। यहाँ पे मैंने धनिया की डेंटल ली है, उसे मैंने काट लिया था, यानी कि आपको बस स्टेम लेना है। तो और इस स्टेम को भी हम इसमें डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर ले। अब हमें इसे 2 मिनट तक पकाना है, जब तक कि हमारी ये जो धनिया के स्टेम्स है ये थोड़े से सॉफ्ट ना हो जाए। और यहाँ पे बीच में मैं इसमें 1 बड़ा चम्मच विनेगर डाल दूँगी। तो विनेगर हमारे यहाँ पे प्रिजर्वेटिव जैसा काम करेगा। आप चाहे तो सोया सॉस का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे विनेगर ही यूज़ किया है। या आप सोया सॉस और विनेगर दोनों को यूज़ कर सकते हैं। इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे और इसे थोड़ा सा पका लेंगे। अब जब आपकी चटनी अच्छे से पक जाए, उसके बाद हम इसमें कॉर्नस्टार्च को थोड़ा सा पानी में घोलकर इसमें डाल देंगे। तो कॉर्नस्टार्च की मैंने ये स्लरी बना ली है, और इस स्लरी को हम सॉस में डाल देंगे।
और ऐसा करने से हमारी सॉस काफ़ी थिक हो जाएगी। तो आप इसे चलाते रहे ताकि एक जगह में इकट्ठा ना हो पाए, ये सॉस जो है कंसिस्टेंसी हर सारी तरह से मेंटेन रहे इसकी। तो हम इसे अच्छे से चला लेंगे। तो आप देख सकते हैं हमारी सॉस काफ़ी गाढ़ी होने लगी है। थोड़ा सा हम इसे 30 से 40 सेकंड के लिए पका लेंगे, इतने में ये अच्छे से गाढ़ी हो जाती है। मैक्सिमम आपको 1 से 2 मिनट लगेंगे, इतने में ये सॉस अच्छे से गाढ़ी हो जाती है। दोस्तों हमारी सॉस तो गाढ़ी हो चुकी है, और इस मोमेंट में अगर आप चाहे इसमें प्रिजर्वेटिव भी ऐड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे नींबू का सत्व यूज़ करना चाहती हूँ, लेकिन अभी मैं नहीं करूँगी क्योंकि ये थोड़ी सी चटनी है तो जल्दी ख़त्म हो जाएगी। अगर आप इसको प्रिजर्व करना चाहते हैं तो थोड़ा सा इसमें नींबू का सत्व यानी कि 1/4 टीस्पून के करीब डाल दें, और ये चटनी आपकी महीनों भर ख़राब नहीं होगी। तो चटनी बन गई है हमारी, इस फ्लेम को ऑफ कर ले, इस चटनी को ठंडा कर ले, या तो आप इसे फ्रेश भी यूज़ कर सकते हैं। और ये फ्रिज में आप इसे 10 से 15 दिन के लिए आराम से एयरटाइट कंटेनर में स्टोर कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।